नमस्कार सबको, स्वागत है आप सबका टैक अर्निंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको मिलते हैं फ्री एड ड्रॉप्स एंड फ्री अर्निंग प्लेटफॉर्म्स की जानकारी, जिन्हें हम ज्वाइन करते हैं, कुछ टास्क कंप्लीट करते हैं, अपना टाइम देते हैं एंड आने वाले टाइम में 2 महीने में 4 महीने में उन प्लेटफॉर्म से फ्री प्रॉफिट भी लेते हैं। अगर आप भी क्रिप्टो से जुड़ना चाहते हैं, फ्री में अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप अभी के अभी टैक अर्निंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जितने भी प्रोजेक्ट्स जिनकी वीडियो आप सबके साथ शेयर की जाती है, जहां पे रिवॉर्ड होता है कन्फर्म्ड, उनकी अपडेट के लिए, जिससे कि आप किसी भी रिवॉर्ड के लिए इनएलिजिबल ना हो जाएं, तो आपको हमारा टैक अर्निंग सपोर्ट टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है। साथ ही हमारा एक कम्युनिटी ग्रुप भी है, TES हेल्प ग्रुप, जहां पे अगर आपकी कोई क्वेरी हो या आपका कोई आउट हो या आप किसी प्लेटफॉर्म की अपडेट देना चाहें, तो आप वहां पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही मेंबर्स एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। तो ये सब मिलेगा आपको टैक अर्निंग सपोर्ट फैमिली में। अगर आप क्रिप्टो से जुड़ना चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ग्रुप में भी ऐड हुए, साथ ही यहाँ पे यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म की, जो कि यहाँ पर आ रहा है ग्राफ की साइट से। बैक टू बैक मेंबर्स के थ्रू मुझसे अपडेट पूछी जा रही थी ग्रास के बारे में, कि क्या है अब न्यू अपडेट ग्रास। ग्रास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी $4.5 मिलियन की यहाँ पर फंडिंग रेज की हुई है। एंड मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हम हर एक प्रोजेक्ट में चेक करते हैं, इनके इन्वेस्टर्स एंड पार्टनर्स, तो ये यहाँ पर पॉलीचेन कैपिटल जैसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो कि रिवॉर्ड जो है वो अच्छा खासा हमें दे सकते हैं। एंड नो डाउट कि ग्रास प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर हम टैग अर्निंग सपोर्ट हमारे चैनल पर आए सर्च करें, तो आज से हम यहाँ पे दिसंबर 2023 से इस प्लेटफॉर्म को यहाँ पर फॉलो करते आए हैं। इसके ऊपर हम 8 महीने से काम कर रहे हैं और अभी तक इसकी कोई टीजी की अनाउंसमेंट नहीं है, बट हो सकता है जैसे ही मार्केट की सिचुएशन अच्छी हो तो हमें यहाँ पे टीजी की इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल जाए। और यहाँ पे जो हम इसकी ग्रास के पॉइंट्स को अर्न कर रहे हैं ना, तो टोकन के रेशियो भी पता चल जाए और यहाँ पे कितना प्रॉफिट होगा ये भी थोड़ा अंदाज़ा हमें पता चल जाए। पर स्टिल आई कैन गैस कि 2 से 4 महीने और आपको इसके ऊपर वर्क करना अभी पड़ सकता है। तो करना है अच्छे प्रॉफिट के लिए, तो हमें हर प्लेटफॉर्म से जुड़े ही रहना होता है। तो करना क्या है और आज इसकी अपडेट क्या है, चलिए इसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इनका मैं लेके चलती हूँ हमारे ग्रास की वेबसाइट की साइट, जहाँ पे हम अपोच 7 पे आ चुके हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इसके 8 महीने में 6 अपोच ऑलरेडी एंड कर चुके हैं, 7वां अपोच यहाँ पे चल रहा है। हर अपोच में जितना हम इनके ब्राउज़र पे इनकी एक्सटेंशन जिस ब्राउज़र पे ऐड है, जितना यूज़ करते हैं उसको, या जितना हमारी इंटरनेट स्पीड होती है, उन सबको ये यूज़ करके जितने पॉइंट्स हमारे अर्न करता है, वो अपोच में बेसिस पर आता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको ये यहाँ पर क्लियरली दिख जाएगा। अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि इसकी अपडेट क्या आई है अभी तक। जो न्यू यूज़र्स हैं उनके लिए बता दूं, अगर आप अभी भी ग्रास प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप ग्रास प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। बट 8 महीने पहले ही बीत चुके हैं, तो बहुत से मेंबर्स के पॉइंट्स आपसे ज़्यादा होंगे, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर प्लेटफॉर्म अच्छा है तो आपको प्रॉफिट ज़रूर देके जा सकता है। अब यहाँ पर अभी भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं आपको इसी पोस्ट का दूंगी, जहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा इस वेबसाइट पर ईमेल एंड पासवर्ड के थ्रू। फिर उसके बाद आपको एक्सटेंशन ऐड करना होगा। अगर आप यहाँ पे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कीवी ब्राउज़र या मिसेज ब्राउज़र का यूज़ करके इंस्टॉल करना होगा इनकी एक्सटेंशन को। सेम ईमेल एंड पासवर्ड का यूज़ करते हुए एक्सटेंशन को लॉगिन करना है और वेबसाइट को ओपन करके इस एक्सटेंशन को कनेक्ट कर देना है। जब यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, तो वो आपका इंटरनेट यूज़ करना स्टार्ट कर देगा। जितना आप ब्राउज़र करोगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके पॉइंट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। बस इतना सा काम यहाँ पर करना होता है। सेकेंड यहाँ पर अपडेट आई है, जब आप बता दूं जो पुराने यूज़र्स हैं उनके लिए अपडेट है, प्लस आपके पास PC होना ज़रूरी है। अगर आप मोबाइल यूज़र्स हैं तो केवल आप इसी के थ्रू यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। इनकी एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर रखा है आपने और जैसे अर्निंग अभी तक कर रहे थे, सेम उसी तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर हमको ग्रास कम्युनिटी का नोड रन करना है, जो कि PC में ही यहाँ पर होने वाला है। तो कैसे करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे डाउनलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको विंडो वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि हम यहाँ पे PC में कर रहे हैं, मेरे पास यहाँ पे विंडोज़ है, तो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी। उसके बाद डाउनलोड वाले सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक करूँगी, तो यहाँ पे आपके एक्सटेंशन जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। आई मीन नोड जो है इसके लिए यहाँ पे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा।
सो बस आप ये ध्यान रखिएगा कि आप अपने पीसी के अकॉर्डिंग, नेम के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है गाइस। फिर इसके बाद यहाँ पे इंस्टॉलेशन के इंस्ट्रक्शंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जो इजीली आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। ये विंडोज़ वालों के लिए सारे इन्होंने दे रखे हैं। तो आपके पास में इस तरीके से ये zip फाइल यहाँ पे डाउनलोड होके आएगी। तब आपको यहाँ पे क्या करना है, राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक्सट्रेट ऑल का सेक्शन दिख रहा होगा, आपको इस सेक्शन पे यहाँ पर क्लिक करना है। एक्सट्रेट के सेक्शन पे क्लिक करना है, देन आपके पास ये एक्सट्रेट होके इस तरीके से आ जाएगी। आप इसको ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे, तो ये यहाँ पर दो फाइल होंगी। अब इनको आपको क्या करना है, एक अलग फोल्डर बना के इनको सेव कर लेना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर आती हूँ, न्यू के सेक्शन पर क्लिक करती हूँ, फोल्डर पर क्लिक करती हूँ और यहाँ पर मैं इसको नाम दे देती हूँ और एंटर कर देती हूँ। अब मैं इन दोनों को इसमें ऐड कर देती हूँ। तो सिंपली मैं इन दोनों को यहाँ पर कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पर इसको ओपन किया एंड यहाँ पे आने के बाद सिंपली हम पेस्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास इस फोल्डर में सेव हो गए, आ गए डाउनलोड वाले सेक्शंस में। अब ये याद रखना है हमको। अब हमें क्या करना है, इस ऊपर वाले को यहाँ पर डबल क्लिक करना है, इसको ओपन करना है। ऊपर वाला नहीं, ये यहाँ पे आपको ग्रास कॉन्फिग फाइल लेनी है, ये वाला हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। ग्रास कॉन्फिग फाइल जिस पर लिखा है ना, आपको उसको यहाँ पे ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे, यस का सेक्शन आएगा, आपको यस करना है। अगेन यस के सेक्शन पे क्लिक करना है, आपके पास में इस तरीके का आएगा। आप कोई भी की यहाँ पर प्रेस कर दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया और आपका यहाँ पर नोड जो है वो सक्सेसफुली रन होना स्टार्ट हो चुका है। अब इतना करने के बाद अगेन इस पर राइट क्लिक करिए, यहीं पे ग्रास कॉन्फिग को रन एज एडमिनिस्ट्रेशन पे ही करेंगे, तभी ये यहाँ पर हो जाएगा। वेट अगेन करना होगा मुझे, रन एज एडमिनिस्ट्रेशन एंड यस के सेक्शन पे हमें क्लिक करना है अगेन। तो इस तरीके से हो जाएगा, वरना बार बार एरर आ रही थी इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। रन एज एडमिनिस्ट्रेशन आप कर लीजिएगा, यहाँ पर कोई भी की को आप एंटर कर दीजिए और किसी भी की को आप एंटर करने के बाद में यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाएगा। तो उसके बाद में अब हमको नेक्स्ट काम क्या करना है, अब हमारा यहाँ पे नोट तो रन हो गया। अब आपने यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में इसको रन किया है ना, तो आपको यहाँ पे सिंपली इस वाले को यहाँ पे इस तरीके से कॉपी करके आप चेक कर सकते हैं। जब कॉपी करके आप इसको ओपन करेंगे ना दूसरे ब्राउज़र में, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया एंड सिंपली मैं इसको रन करती हूँ, तो वहाँ पे आपके फ्रेसेज एंड की वगैरह भी आएंगी, तो जिसे आप शो मत कीजिएगा, बस आप ओपन करके देख लीजिएगा, सारी डिटेल्स आपके निकल के आ जाएगी। इसी को सिंपली मैं यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ, ओपन करती हूँ। जब आप उसे ब्राउज़र में ओपन कर लेंगे, उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, रीलोड पॉलिसीज़ के सेक्शन पे क्लिक करना है, तभी आपकी वहाँ पे पॉलिसी जो वगैरह जो है सब कुछ आपका शो होके आ जाएगा और आपका नोट जो है वो बिल्कुल चल चुका है। के बाद में अब आपको क्या करना है, अगेन यहाँ पे क्रोम एक्सटेंशंस को ओपन करना है। या तो आप यहाँ से इसको एज इट इज़ कॉपी करके पेस्ट करके ओपन कर लीजिएगा, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके मैनेज एक्सटेंशंस के थ्रू भी आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद डेवलपर मोड आपका ऑन होना चाहिए। उसके बाद में आपको नेक्स्ट काम क्या करना है, जो अभी हमने जो फाइल को अभी सेव किया था ना, उसको यहाँ पे ओपन करना है। तो सिंपली हमने यहाँ पर इसको ओपन कर लिया और यहाँ पे हमने इसको सेव किया था, ये रिफाइल। अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये दो सेव करी थी, तो हमारा ये ग्रास कॉन्फिग वाला काम तो हो गया ख़त्म। अब ये ग्रास वाली जो है ना, इसको हम यहाँ पे ट्रैक कर देंगे। सिंपली हमने इसको यहाँ पे लिया और यहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया। फिर यहाँ पे ये वाली एक्सटेंशन जो है वो हमें ऐड करनी है, तो ऐड एक्सटेंशन के सेक्शन पर क्लिक करेंगे। देन इसके बाद देन सिंपली कीप दिस एक्सटेंशन के सेक्शन पर क्लिक करना है। तो सिंपली आप यहाँ पे अगेन एक्सटेंशन वाले सेक्शन को क्लिक करेंगे, तो हमारे पास में एक एक्सटेंशन पहले थी यहाँ पे ग्रास लाइट नोट की, अब यहाँ पे ग्रास कम्युनिटी नोट जो है ये भी ओपन हो चुकी है। अब आप इसको ओपन कीजिए, जब आप इसको ओपन करेंगे तब अगेन आपको लॉगिन करना है सेम ईमेल एंड पासवर्ड से, लॉगिन कर लेना है सेम ईमेल एंड पासवर्ड से जो आपने यहाँ पे वेबसाइट पे या फिर पहले वाले एक्सटेंशन में ऐड कर रखा था सेम से। तो लॉगिन करते हैं, ये पेज हमारे पास आएगा। जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पे जो एक्सटेंशन है वो कनेक्ट हो चुका है, नोड यहाँ पे रन हो चुका है, साथ ही यहाँ पे हमारा जो रिवॉर्ड है 1x से 1.25x यहाँ पर हो चुका है। तो इस तरीके से आपकी पॉइंट्स की अर्निंग और ज़्यादा बढ़ गई। और जाते जाते गाइस मैं आपको ये भी एक बात बता दूं कि यहाँ पर आप वेरीफाई ईमेल, वेरीफाई अपना वॉलेट एड्रेस एंड जो कि फैंटम का आपका जाएगा, एंड यहाँ पर अपना ईमेल दोबारा से कंफर्म करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि आप इस एड्रॉप के लिए इनएलिजिबल ना हो। तो बस इतना काम आप कर लीजिए, बाकी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू एड्रॉप न्यू अपडेट के साथ। आई जस्ट होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए।